नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका, दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा, एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, शनिवार को मिले 85 नए मरीज, संख्या 1100 के पार। कोविड महामारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दरभंगा में शिक्षक को किया गया सस्पेंड, IT सहायक की गई नौकरी। लॉकडाउन में भी कुछ दुकानों से चोरी छिपे सामान बेचने पर पुलिस सख्त, ड्रोन से निगरानी कर जुटाया फुटेज। कल पूरी हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद, 18 से लॉकडाउन 4, दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा सरकार के निर्देशों का है इंतजार। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले प्रवासी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यूपी, बंगाल, हरियाणा एवं तमिलनाडु से आने वाले पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 264 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 14,257 प्रवासी आवासित, दी जा रही सभी सुविधाएं। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की सफलता शिक्षा और जागरूकता पर है निर्भर। और दरभंगा में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, शनिवार को मिले 85 नए मरीज, संख्या पहुंची 1100 के पार। बिहार में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक शनिवार को 85 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके थे और आंकड़ा बढ़कर 1,118 पर पहुंच गया। कोरोना मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जो पहली रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार 46 नए मरीज सामने आए। इनमें जमुई में 7, समस्तीपुर में 1, शेखपुरा में 9, पटना में 5, औरंगाबाद में 2 और मुंगेर में 1, जबकि बांका में 18, कटिहार में 3 मरीज मिले। यानी जो पहली रिपोर्ट आई उसमें कुल 46 नए मरीज आए और यह आंकड़ा बढ़कर उस वक्त पहुंचा 1,079। और जो दूसरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई शनिवार को, उसमें 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें मुजफ्फरपुर में 2, शिवहर में 1, जहानाबाद में 1, पूर्णिया में 15, नवादा में 9, वैशाली में 3, पटना में 1, मधुबनी में 6 और ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण में 1 नया मरीज सामने आया। यानी दूसरी रिपोर्ट में 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और कुल मिलाकर शनिवार को बिहार में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और आंकड़ा पहुंचा 1,118। कोविड महामारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिक्षक को किया गया सस्पेंड, IT सहायक की गई नौकरी, दरभंगा जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई।
कोविड महामारी में लापरवाही बरतने पर कर्मी हुए निलंबित, आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्देश। राज्य के बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए एक शिक्षक द्वारा योगदान करने से इनकार किए जाने पर उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस शिक्षक का नाम प्रवीण कुमार है और ये प्लस टू वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी प्रखंड सिंहवाड़ा में पदस्थापित थे। वहीं एसडीओ बिरौल कार्यालय में पदस्थापित एक आईटी सहायक जितेंद्र कुमार को भी कर्तव्यहीनता के चलते पदमुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बीडीओ सिंहवाड़ा को उक्त शिक्षक के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिला में युद्ध स्तर अभियान चलाया जा रहा है। यह आपदा का समय है, इस अवसर पर सभी अधिकारी और कर्मी को सर्वश्रेष्ठ योगदान करना है। इसमें थोड़ी भी लापरवाही बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। कोविड आपदा के समय किसी के भी लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लॉकडाउन में भी कुछ दुकानों से चोरी छिपे सामान बेचने पर पुलिस सख्त, ड्रोन से निगरानी कर जुटाया गया फुटेज। लॉकडाउन 4 18 मई से होगा, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है, 17 मई तक इसकी अवधि है। पुलिस को शहर से लेकर गांव तक इस दरमियान कपड़े, जूते, चप्पल के दुकानों की खुलने की लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी। ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने कई दुकानदारों पर FIR भी किया। शनिवार को ड्रोन कैमरा द्वारा कई क्षेत्रों में निगरानी की गई। दरभंगा के शहरी इलाके में उड़े ड्रोन कैमरे, वीडियो फुटेज लिया गया। कपड़े की दुकान से लेकर चप्पल तक की कई दुकानें खुली हुई पाई गईं। पुलिस ने अचानक यह कार्रवाई की और जो लोग दुकान खोल चुके थे या चोरी छिपे सामान बेच रहे थे, कपड़े और जूता चप्पल इत्यादि, उनको संभलने का पुलिस ने कोई मौका भी नहीं दिया और तमाम तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हो गईं। लहेरिया सराय के बाकरगंज गुदरी बाजार से लेकर बेलवागंज की बात करें या इमाम बाड़ा उर्दू बाजार से लेकर मौलागंज तक हर जगह उड़ा ड्रोन कैमरा, तस्वीरें कैद हो गई कैमरे में दुकान खोलने वालों की, जमावड़ा लगाने वालों की। पुलिस ने कहा है कि ड्रोन कैमरे की पूरी फुटेज को खंगाला जाएगा। जिन दुकानदारों ने दुकान खोलकर कपड़ा, जूता, चप्पल इत्यादि, जिन दुकानों को अभी बंद रखा गया है, उन दुकानों को खोलकर अगर सामान बेचे होंगे तो उन पर दर्ज होगी FIR, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में कैमरा उड़ाया गया है लॉकडाउन को नियंत्रित करने के लिए। ड्रोन कैमरा का हम लोग सहारा ले रहे हैं। जहाँ जहाँ फोटोग्राफी किया गया है, कुछ दुकान जो है सो अनावश्यक रूप से खोला गया है, उसका फोटोग्राफी किया गया है और लॉकडाउन को सुदृढ़, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंज कमर्शियल शॉप इमाम बाड़ी का पहचान करके जो है सो उचित कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल पूरी हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद, 18 से लॉकडाउन 4। दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा सरकार के निर्देशों का है इंतजार। कल पूरा हो रहा लॉकडाउन 3, परसों 18 मई से लॉकडाउन 4। हमने बात की दरभंगा के जिलाधिकारी से, उन्होंने बताया कि दरभंगा ज़िले में लॉकडाउन का जो भी निर्देश सरकार के द्वारा आएगा उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कितने लोग आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किए गए हैं, कितने कोरोना पॉजिटिव हैं एवं कितने ठीक हो चुके हैं। DM ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में ब्लॉक स्तर पर 14,000 से भी अधिक लोग हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर बोलते हुए DM ने कहा अभी तक दरभंगा ज़िले में कुल 16 कोरोना पॉजिटिव थे, 5 लोग कोरोना को हराकर पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं और ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। सरकार द्वारा निर्णय ली जा रही है, जैसे ही सरकार का निर्देश आएगा उस प्रकार का कार्रवाई। 14,000 के ऊपर लोग अभी ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं और अभी तक का मान हमें 16 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है, लेकिन उसमें से 5 लोग ठीक होकर वापस भी चले गए और लगातार बाहर से आए हुए हमारे मजदूर भाइयों का लगातार कोरोना का जाँच भी जारी है। आज भी 150 लोगों का सैंपल निकाला जा रहा है, इसमें रैंडम सैंपलिंग में कुछ केसेस भी आ रहे हैं, उनका अलग करके इलाज भी कराया जा रहा है और शेष लोगों को भी
सचेत करके अलग कर दूँ। तो एसएसपी से बात मेरे हुई है, जरूर उस पर कार्रवाई। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले प्रवासी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यूपी, बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु से आने वाले पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यूपी, बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु से आ रहे प्रवासी पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी विलेज क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रहेंगे। सभी क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 3 मई के बाद आने वाले प्रवासियों को निकलने के समय 500 रुपया एवं टिकट का पैसा मिलेगा। सभी प्रवासियों का कोविड पोर्टल पर एंट्री कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा है कि कोविड महामारी के रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को गृह जिला में आगमन होते ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा जिला में संचालित किए जा रहे सभी क्वारंटाइन केंद्रों के सुगम प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई। प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, पंकज कुमार आए अव्वल। दरभंगा जिला में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों, कामगारों का लगातार आगमन हो रहा है। इन लोगों को प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटीन किया जा रहा है। इसमें कोई स्किल्ड तो कोई सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, कुछ लोग सामान्य श्रेणी के हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी कामगारों एवं अन्य लोगों के स्किल की मैपिंग कराई जा रही है। इन लोगों के हुनर का उपयोग करने हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी। आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत मध्य विद्यालय धोबवलिया, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्वारंटीन केंद्र के प्रभारी द्वारा प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कई लोगों ने उम्दा आर्ट का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में पंकज कुमार ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार अपना आपसों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, शनिवार को मिले 85 नए मरीज, संख्या 1100 के पार। कोविड महामारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दरभंगा में शिक्षक को किया गया सस्पेंड, आईटी सहायक की गई नौकरी। लॉकडाउन में भी कुछ दुकानों से चोरी छिपे सामान बेचने पर पुलिस सख्त, ड्रोन से निगरानी कर जुटाया फुटेज। कल पूरी हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद, 18 से लॉकडाउन 4, दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा सरकार के निर्देशों का है इंतजार। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले प्रवासी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यूपी, बंगाल, हरियाणा एवं तमिलनाडु से आने वाले पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 264 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 14,257 प्रवासी आवासित, दी जा रही सभी सुविधाएं। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की सफलता शिक्षा और जागरूकता पर है निर्भर। और दरभंगा में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। 264 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 14,257 प्रवासी आवासित, दी जा रही सभी सुविधाएं।
264 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में आवासित 14,257 प्रवासी व्यक्तियों को मुहैया कराई जा रही सभी सुविधाएं। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित राज्य के बाहर से आए हुए सभी प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को उनके गृह प्रखंड मुख्यालय अवस्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए सभी प्रवासियों को नाश्ता, खाना, आवासन, मनोरंजन हेतु टीवी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचने के साथ ही सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत उपयोग हेतु डिग्निटी एवं सैनिटरी किट्स उपलब्ध करा दिया गया है। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंड मुख्यालयों में अब तक 264 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं। इनमें कुल 14,257 प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की सफलता शिक्षण और जागरूकता पर है निर्भर। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की सफलता शिक्षा और जागरूकता पर निर्भर है, बोली डॉक्टर प्रेणिका वर्मा। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार सीरीज 2 का दूसरा व्याख्यान डॉक्टर प्रेणिका वर्मा, सहायक प्राध्यापिका पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया द्वारा परिवार कल्याण विषय पर दिया गया। इसके अंतर्गत डॉक्टर वर्मा ने परिवार नियोजन का इतिहास, इससे संबंधित प्रोग्रामों एवं इसके व्यापक तथा प्रभावी सफलता के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को विस्तार से बताया। इस व्याख्यान में उन्होंने काहिरा मॉडल, चाइना मॉडल आदि जैसे मॉडलों के विषय में बताया तथा इनके संरचनाओं और प्रभावों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात उन्होंने परिवार नियोजन को अभी तक कितनी सफलता मिल पाई है और लक्षित सफलता पाने के लिए सुझाव पर भी चर्चा की। और दरभंगा में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। तालाब में डूबने से हुई 3 बच्चों की मौत। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सारा मोहनपुर गांव में मचा कोहराम, परिवार के लोग सदमे में। सुबह 10:30 की बताई जा रही है यह घटना, तब जब कई बच्चे एक साथ नहाने एक तालाब में चले गए और इसी क्रम में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। इन 3 बच्चों को शिशु रोग विभाग दरभंगा अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया इन्हें। इस अवसर पर गांव के लोगों की भीड़ अस्पताल में लगी रही। तालाब में डूबने वाले बच्चे 9 साल के गोविंद और प्रिंस जबकि 8 साल का दुखहरण शामिल है। डूबने वाले सभी बच्चे तीनों एक आम के गाछी में खेल रहे थे। खेलते ही खेलते अचानक इन लोगों ने नहाने का प्लान कर लिया, पोखर में नहाने चले गए और ये 3 बच्चे डूब गए। आप भी सावधान रहिए, बच्चों का खास ख्याल रखिए। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनका पूरा ध्यान रखिए। शहर से लेकर गांव तक बच्चों को इस दोपहरी में या सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर न निकलने दीजिए। इनका ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो ऐसी दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो गांव का बगल में गड्ढा खुना हुआ, उसी में लोग नहाने गया, खेलते खेलते 6-7 को बच्चा, उसमें 3-4 को चला गया, 3 डूब गया, पानी में डूबा है सर, 3 को बच्चा। ये घटना ग्राम पंचायत खास सारा मोहम्मद का है, जो ग्राम सारा मोहम्मद पता है। आज करीब 10:30 के करीब ये 3 बच्चा जो मृतक हुआ है, वो सारा मोहम्मदपुर के ग्राम सारा फाजिल भी पड़ता है गाँव का नाम, उसी में एक आम का गाछी था, उसी में खेल रहा था। उसी दरमियान 4 बच्चा उस बगल के तालाब में नहाने के लिए चला गया, जिसमें 3 बच्चा का मृत्यु हो गई। एक बच्चा पीएस कुमार को ग्रामीण लोग देखा डूबते हुए तो बचाया। उसी बच्चे ने कहा कि इसमें 3 बच्चा और है, तब ग्रामीण लोगों ने जाके पानी में हल के 3 बच्चा को निकाला गया और आपको डीएमसीएच बताया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 बच्चा मृत्यु पाया गया। ये जब तक समाचार में डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, शनिवार को मिले 85 नए मरीज, संख्या 1100 के पार। कोविड महामारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दरभंगा में शिक्षक को किया गया सस्पेंड, आईटी सहायक की गई नौकरी। लॉकडाउन में भी कुछ दुकानों से चोरी छिपे सामान बेचने पर पुलिस सख्त, ड्रोन से निगरानी कर जुटाया फुटेज। कल पूरी हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद, 18 से लॉकडाउन 4, दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा सरकार के निर्देशों का है इंतजार। दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले प्रवासी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यूपी, बंगाल, हरियाणा एवं तमिलनाडु से आने वाले पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। प्रवासी मजदूरों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
264 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 14,257 प्रवासी आवासित, दी जा रही सभी सुविधाएं। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की सफलता शिक्षा और जागरूकता पर है निर्भर। और दरभंगा में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।